दोस्तों राजस्थान रॉयल और मुंबई इंडियन के बीच खेले गए आईपीएल 2022 के नौवें मुकाबले में और एक रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल की टीम ने मुंबई इंडियन को 23 रनों से हरा दिया है। इन सभी के साथ मैच के दौरान एक ऐसा भी मोमेंट देखने को मिला जब फिजियो किसी खिलाड़ी के लिए नहीं बल्कि कैमरामैन के लिए दौड़ते हुए चला आया, जिस वजह से मैच को कुछ देर के लिए रोक भी दिया गया था। दरअसल ये घटना मुंबई इंडियन के बल्लेबाजी के 12वें ओवर का है। इस ओवर के 5वें गेंद पर तिलक वर्मा ने एक हवाई शॉट खेला जो सीधे बाउंड्री लाइन पर पार कर गया और सिक्स हो गया। बॉल सीधे बाउंड्री लाइन पर मौजूद कैमरामैन के सर पे जा लगा। कैमरामैन के पास फील्डिंग कर रहे बोल्ट ने मैच को रोकने को कहा और फिजियो की ओर इशारा करके उन्हें बुलाया, वजह से मैच कुछ देर रोका गया था। फिर सब कुछ क्लियर होने के बाद मैच आगे की ओर शुरुआत हो गई। तो आपको क्या कहना है बोल्ट के इस कार्य के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ रोहित शर्मा और संजू सैमसन में कौन आपको बेस्ट खिलाड़ी लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबर लेके आते रहते हैं।